Hello students, today we are going to discuss extra problem based on chain rule. Problem number 1. Differentiate the following function with respect to x. Log x plus root x square plus a square base a. अब इसका अपन को differentiation find करना means d by dx. So write d by dx log x plus root x square plus a square. This is composition of two functions. अब composition का differentiation कैसे करते हैं, हमने मैंने आपको previous lecture में बताया था कि d by dx f o g equal to f dash g x into g dash x. अब इसको मान लो f मान लो, अंदर वाला function आपका क्या है, g है, यानी पहले आपको क्या करना है, f का differentiation करना है और फिर इनटू में किसका डिफरेंशिएट करना, g का करना है. तो पहले अपन f का मतलब log का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो log x d by dx log x इक्वल टू 1 अपॉन x. तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. यहाँ पे x कितना है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू. अब लोग का डिफरेंशन हो गया है, अब सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए, अब इसका डिफरेंशन करना. सो देर आर टू टर्म्स, दिस प्लस दिस. तो पहले अपन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशन वन प्लस. अब अपन डिफरेंशन करेंगे इसका, अगेन दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. फिर से यहाँ पे देर आर टू फंक्शन, रूट फंक्शन और इन द एल्जेब्रिक फंक्शन. रूट का डिफरेंशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस इन बिगनिंग, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स, डी बाय डी एक्स रूट फंक्शन. रूट एक्स का डिफरेंशन कितना होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स. तो यहाँ पर हमने रूट का किया तो वन अपॉन टू रूट, और उसके बाद इनटू में किसका रूम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का. पहले एफ का हो गया, रूट मतलब एफ, और अंदर वाला क्या हो गया, जी हो गया फिर से. तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स और प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉन्स्टेंट का कितना होता है, जीरो. सो टू एक्स प्लस जीरो, सो ओनली टू एक्स, टू एंड टू कैंसिल. नेक्स्ट है वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब नाउ दिस इंटू वन, सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स. दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी सेम, कैंसिल. सो फाइनल आंसर इज वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. राइट डी बाई डी एक्स. अब डी बाई डी एक्स दिस अपॉन दिस मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फर्स्ट राइट डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, देन माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x minus e to the power minus x whole square. Next step, e to the power x minus e to the power minus x as it is. अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. देर आर टू टर्म्स,
पहले अपन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x फॉर्मूला इज देयर, उसके बाद प्लस साइन. अब पहले से साइन बदला हो ज़्यादा बेटर रहेगा. लगा भी सकते हैं. अब इसका डिफरेंशिएट करो e टू द पावर माइनस x का. अब ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन है e टू द पावर x और ये है e टू द पावर माइनस x, मीन्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल आ जाएगा वापस से कि पहले अपन e टू द पावर माइनस x का करेंगे, e का करेंगे पहले और फिर किसका करेंगे, माइनस x का, मतलब पहले f का और फिर g का. तो e का e टू द पावर का क्या होता, वही होता डिफरेंशियल. और फिर उसके बाद माइनस x का डिफरेंशियल करें कितना होगा, माइनस वन, और इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एज इट इज. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस, अब e टू द पावर माइनस x, दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. तो पहले अपन e का करेंगे, तो e का डिफरेंशिएशन वही होता है जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस x देन e टू द पावर माइनस x. और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, माइनस वन, और अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. आफ्टर दिस माइनस का इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन, यानी बोथ टर्म्स आर सेम, यानी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, मीन्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. सो डिफरेंशिएट इज ऑलमेज ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. अब इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर यानी कितना होगा, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, ये प्रोडक्ट में दोनों. अब बाहर माइनस साइन है, मीन्स ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, स्क्वायर करते जाओ और माइनस से इंटू करते जाओ, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कैंसिल, e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, सो माइनस 4 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. अब e टू द पावर माइनस x वी कैन राइट 1 अपॉन e टू द पावर x, सो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा अपन को, माइनस 4 अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2. अब हमको इसका डिफरेंशिएट निकालना है. अगर ओनली log x होता तो हम डिफरेंशिएशन क्या लिख देते, d बाय डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. यानी दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी इसमें हमको चेन रूल यूज करना है. एफ ओ जी है, इसको अपन एफ मान लेंगे और ये क्या हो गया आपका, जी हो गया. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ log, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स. अब यहाँ पे x के प्लेस पे दिस होल क्वांटिटी इज x, ये पूरी क्वांटिटी क्या x है, तो 1 अपॉन x यानी पूरी क्वांटिटी अपॉन में आ जाएगी. तो 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन एफ का, फर्स्ट फंक्शन का. अब किसका करना है, जी का. जी मतलब आपको 10 का डिफरेंशिएशन करना है. किसका करना है, 10 का. लेकिन अगेन 10 फिर दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए एफ मान लें तो ये जी हो गया. तो पहले 10 का डिफरेंशिएशन. अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाय डी एक्स 10 एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर और x के प्लेस पर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाई 2. यानी जितने भी फंक्शन उन सबका डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट में लिखना है. तो
पहले एफ का हो गया, फिर उसका जी का हो गया, अब इसका इसका करना पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू और इनटू में लिखना है। तो पाई बाय फोर तो कांस्टेंट है, उसका दोगे जीरो, जीरो प्लस एक्स बाई टू, तो वन बाई टू कॉमन हो जाएगा और एक्स का कितना होता है वन, तो जीरो प्लस वन बाई टू यानी कितना आएगा वन बाई टू। अब नाउ सिंप्लीफाई, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो टू है वन बाई टू सबसे पहले लिख दो आप, इंटू वन अपॉन, अब टेन को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू और इसी के अपॉन में लिख दो, बहुत सारे बच्चे ऊपर भी लिख देते लिख सकते हैं बिल्कुल, कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ये लिखा अपने टेन के प्लेस पे साइन अपॉन कॉस इंटू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अभी कोस और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब नाउ दिस इज लुक लाइक टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तो वन अपॉन साइन टू थीटा और थीटा के प्लेस पे आएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, टू का अंदर मल्टीप्लाई करो दो ब्रैकेट में, तो टू इंटू पाई बाय फोर यानी पाई बाय टू एंड टू इंटू एक्स बाय टू एक्स साइन पाई बाय टू प्लस एक्स 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव और 90 में क्या होता है चेंज, यानी साइन के प्लेस पे क्या आएगा कोसाइन फंक्शन, तो कोस एक्स और वन अपन कोस एक्स किसके इक्वल होता है सेक एक्स के। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। जब भी डिफरेंशियल में क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी लॉग आ रहा है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी से उसको एक्सपांड करेंगे, और इंटीग्रेशन में अगर एक्सपांडेड फॉर्म है तो उनको अपन कंबाइन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम यानी इकट्ठा करना और डिफरेंशियल मतलब ब्रेक करना, तो पहले लॉग को ब्रेक करेंगे और फिर डिफरेंशियल करेंगे। एंड देर आर सेवरल मेथड टू शो दिस क्वेश्चन, मोर देन फोर फाइव मेथड। डी बाई डी एक्स लॉग, अभी अपन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अभी इसका, अभी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, क्या दे रखा अपन को रूट, रूट मतलब होता है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स रेस टू दी पावर वन बाई टू। अब इस वाली प्रॉपर्टी से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log m raised to the power n is equal to n log m, और यदि आप भूल गए हो तो log की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, मैंने लेक्चर टू में पढ़ाया था 11 क्लास के अंदर। d by dx अब ये 1 by 2 आगे आ जाएगा, log 1 minus cos x upon 1 plus cos x बेसी। अब नेक्स्ट में फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, लॉग एम अपॉन एन, सो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग एम अपॉन एन एनी बेस इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ पे क्वेश्चन में बेस ई है, एनी बेस के लिए फार्मूला है, कुछ भी हो बेस में। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, देर आर टू टर्म्स, तो पहले फर्स्ट टर्म का करेंगे वन बाई टू कॉन्स्टेंट कॉमन, अब लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का क्या होता है वन अपॉन एक्स और एक्स के प्लेस पे पूरी क्वांटिटी है वन माइनस कोस एक्स, उसके बाद अपन करेंगे वन माइनस कोस एक्स का इंटू में वन का जीरो, फिर माइनस साइन और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन एक्स फिर माइनस, अब फिर से लॉग का करेंगे तो क्या आएगा
वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब उसका वन प्लस कॉस किसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अब सिंप्लीफाई करेंगे अपन, कॉमन क्या रहा है दोनों में, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, साइन एक्स अपॉन टू, दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, दिस इंटू वन, वन प्लस कॉस एक्स, और इसका इंटू इसका करेंगे तो वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन टू इंटू वन और वन टू अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, टू और टू कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स और स्क्वायर कैंसिल, सो वन अपॉन साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ वाई इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, प्रूव डेट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन फंक्शन है उससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, ऑल टर्म विल कैंसिल और वी गेट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दिस इज नॉर्मल मैथड। अब सिंस वाई इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अब इसका अपन को डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू आर टी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। अब वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रूट और अंदर फंक्शन है, यानी वो एफ ओ जी टाइप का बन गया, यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले अपन किसका करेंगे, रूट का डिफरेंशियल। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, डी बाय डी एक्स अगर कहीं भी रूट एक्स हो तो क्या लिखेंगे अपन, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इसकी जगह अपन लिखेंगे वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो रूट का डिफरेंशियल हो गया। अब इनटू में किसका डिफरेंशियल करेंगे अपन, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना हो तो एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, पहले रूट का कर दिया और इसका भी करना है अपन को, अब अगली स्टेप में करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, रूट वन प्लस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स, अलग अलग भी कर सकते अपन रूट को, रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले अपन, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर मीन्स वन माइनस एक्स, फिर माइनस साइन, फिर वन माइनस एक्स एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स यानी डिनोमिनेटर। नाउ सिंप्लीफाई, रूट वन प्लस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स एज इट इज इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना वन माइनस एक्स, तो वन का तो हो गया जीरो, माइनस एक्स का हो गया वन, तो जीरो माइनस वन यानी माइनस वन, माइनस वन माइनस एक्स, अब डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स, वन का तो हो गया जीरो और एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, रूट वन प्लस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स इंटू ओपन द ब्रैकेट माइनस वन माइनस एक्स
माइनस वन प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स इंटू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। टू और टू कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप वी गेट माइनस रूट वन प्लस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसको अपन क्या रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। अभी जो वैल्यू अपन ने निकाली है इसमें अपन रख रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में लिखना है माइनस रूट वन प्लस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई। वाई मीन्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब नाउ सिंप्लीफाई, टेल मी फैक्टर ऑफ दिस वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। तो माइनस साइन, इसके फैक्टर्स लिख देते हैं वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। ये जो माइनस साइन तो आगे आगे लिख दें यहाँ पे इंटू रूट वन प्लस एक्स अपॉन में रूट वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब कैंसिल करते हैं वन प्लस एक्स और स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप माइनस, अब ये वन माइनस एक्स है और ये रूट में वन माइनस एक्स है, यानी क्या बचेगा न्यूमरेटर में रूट वन माइनस एक्स। अभी वन प्लस एक्स और रूट में वन प्लस एक्स, यानी क्या बचेगा रूट में वन प्लस एक्स। अब इनको अपन चाहे तो सेपरेट करके लिख सकते हैं रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स। बोथ आर सेम और अपोजिट साइन सो कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा जीरो। हैंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम इफ वाई इक्वल टू दिस देन प्रूव डेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम वाई अपॉन दिस। सो फर्स्ट राइट सिंस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर एम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन तो वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, दिस इज लुक लाइक एक्स, तो ऐसा लग रहा है डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर एम का डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले एक्स टू दी पावर एम का करना है तो क्या होगा एम एक्स एम माइनस वन, तो एम इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर एम माइनस वन इंटू। अभी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, पहले किसका किया अपन एफ के एफ का किया एक्स टू द पावर एम का, अब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर जो क्वांटिटी इसका करना है। अब देर आर टू टर्म्स, पहले फर्स्ट टर्म का करेंगे एक्स का वन प्लस अगेन फिर इसका अपन किससे करेंगे चेन रूल से, वही एफ ओ जी टाइप का दिख रहा है रूट फंक्शन और इनसाइड भी है, तो रूट का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स और ए स्क्वायर का जीरो। टू और टू कैंसिल और ये फार्मूला अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप एम इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर एम माइनस वन इंटू टेकिंग एलसीएम
सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इनटू वन में करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स एक्स। नेक्स्ट है एम इंटू, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, रेस टू द पावर एम माइनस वन और रेस टू द पावर वन, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर कितना हो जाएगा एम, एम माइनस वन प्लस वन, सो एम अपॉन में कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है आपको पूरी, क्या दिख रही है, इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे वाई, तो एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एरो बना देता हूँ कि ध्यान रहेगा आपको। हेंस प्रूव, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।